उपराजधानी ऐसा शहर है जहाँ से सर्वप्रथम मार्बत की शुरुआत हुई और आज सर्वाधिक मार्बत यही से निकाले जाते हैं। तान्हापुला के दौरान मार्बत और बड़िया निकाले जाते हैं। शहर में ऐसे कई मंडल हैं जिनके द्वारा बड़िया और मार्बत का निर्माण किया जाता है। इसी में पीली मार्बत का निर्माण भी किया जाता है। जिस संदर्भ में पीली मार्बत उत्सव कमेटी के कोषाध्यक्ष देवीदास गंगाधर गबने ने अधिक जानकारी साझा की। तान्हापुला के दौरान मार्बत का जुलूस निकालने की प्रथा शहर में कई वर्षों से चली आ रही है। कहा जाता है कि मार्बत और बड़िया को बुराई के प्रतीक के रूप में माना जाता है। इस परंपरा को चलाने के लिए मार्बत का निर्माण करने वाली कारागिरों की पीढ़ियां अब भी काम कर रही है। यह परंपरा काली और पीली मार्बत बनाकर आज भी चलाई जा रही है। इस परंपरा को अभी भी आवृत चला रहे हैं। इस संदर्भ में बताते हुए पीली मार्बत उत्सव कमेटी के कोषाध्यक्ष देवीदास गंगाधर गबने ने बताया कि बरसों से हम इस परंपरा को चला रहे हैं। उन्होंने इस दौरान बताया कि बहुत ही कम सामग्री से मार्बत का निर्माण किया जाता है। हमारी मार्बत की परंपरा ऐसी है, हमारे बुजुर्ग लोगों ने 1885 में देश स्वतंत्र होना चाहिए करके इसकी स्थापना किया है। क्या स्वतंत्रता के कार्य में हमारा कुछ हाथ बार हमारे समाज का लगे, क्योंकि लोकमान्य तिलक जी ने जैसी गणेशोत्सव की स्थापना करके जागृति लाया लोगों में, उस टाइम उस समय में हमारे जो समाज के पुढ़ारी थे उन्होंने इसमें लोगों में जन जागृति करके इसकी स्थापना किया, उसको देवी का स्वरूप दिया और आज भी हमारा वो अविरत कार्य चालू है और लोग उसको देवी स्वरूप मान के उसकी पूजा पाठ करते। हमारा कार्य धूपकाले से चालू हो जाता है और उसको सिर्फ कागज़ पेपर और रस्सी का वापर है उसके और कमची का, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसको हमसे कम से कम चेहरा बनाना फिर हाथ पाँव बांधना ऐसा करते करते 5-6 महीने लगते हैं करीबन। हमको अभी तक परमिशन मिली नहीं, कोरोना का प्रकोप चालू है उसके वजह से जमाबंदी टाइप कायदा लगा हुआ है, लोगों को जमा होने को मुश्किल जा रही है। अब ये सरकार का कायदा हमको फॉलो करना ही है और सरकार जो नियम लागू करेंगी हमको या जो गाइडेंस देगी उसके हिसाब से हम काम करेंगे। उन्होंने बताया कि कोरोना नियमों का पालन करके ये उत्सव मनाया जाएगा। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।